जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना राशिफल लेकर। मेरे बार बार बताने के बावजूद आप में से बहुत सारे लोग रोजाना मुझसे पूछते हैं, गुरु जी हमारी राशि क्या है। तो प्रिय भक्तगणों, आप की राशि वही है जो जन्म कुंडली में लिखी हुई है, वही आपकी जन्म राशि है, उसी के अनुसार आपको अपने भविष्यफल को देखना चाहिए। किंतु जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली की डेट ऑफ बर्थ सही सही नहीं पता है कि उनका जन्म किस दिन हुआ था, तो उन्हें अपने नाम के प्रथम अक्षर के द्वारा इस सारणी जो ये टेबल आ रही है आपकी स्क्रीन पर, उस टेबल के अनुसार अपनी राशि देखनी चाहिए। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं बिना किसी फीस के आप लोगों को आपकी परेशानियों के उपाय बताऊं, मुझे मंजूर है। इसीलिए हमने अपने शनिपीठ मंदिर की तरफ से आप लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप कराई है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। उस मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप जो जीरो फीस वाली लोकेशन है स्वामी प्रिंस ऋषि, उनके असिस्टेंट साधक और साधिका, उनके लिंक को क्लिक करके आप अपनी सभी परेशानियां जन्म की तारीख के साथ, जन्म के समय के साथ, जन्म स्थान की, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं तो डिस्ट्रिक्ट आदि लिखकर और अपनी फोटो को अटैच करके भेज दीजिए। जिनके पास जन्म की तारीख बिल्कुल नहीं पता है वो उस जगह को खाली छोड़ दें। तो हमारे यहां से आपको अपने आप ही जवाब आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पर, या आपको फोन कॉल आ जाएगी और आपको जो आपकी परेशानी है उसके उपाय बता दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज संवत 2077, 17 अप्रैल सन 2020, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, शुक्रवार का दिन है आज। आसमान में सूर्योदयकालीन जो योग है वो शुभ नामक योग है और धनिष्ठा नामक नक्षत्र है। आज जो राहु काल रहने वाला है वह राहु काल सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस राहु काल के दौरान आप कोई भी ऐसा शुभ कार्य ना करें क्योंकि इसके शुभ फल फिर प्राप्त नहीं होते हैं। जैसा कि प्रिय भक्तगणों आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर लोगों को एस्ट्रोलॉजी या यज्ञ पूजन हवन का ज्ञान देने के लिए विधिवत क्लास लगाते रहे हैं और हमारे पास जो सीखने आए हैं उनमें से कुछ लोग एडिशनल सेशन जज, वैसे तो वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर हैं लेकिन पीछे वो एडिशनल सेशन जज भी रहे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से कोर्स कर हमारे को गौरवान्वित किया। ऐसे सभी लोगों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के राशिफल से। बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका अपना ग्रह, आपकी माता का ग्रह और आपके जीवन साथी का ग्रह तीनों ही सही अवस्था में नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आत्मविश्वास में बल लाने की कोशिश कीजिएगा। कार्यस्थल के हालात भी आपके अनुकूल नहीं हो रहे, तो ऐसी सभी परिस्थितियों को देखिए और अपने आप को समझ लीजिए। आप अपने आत्मबल के भरोसे में और कुछ ईश्वरीय शक्ति के भरोसे से आगे बढ़ने का प्रयास करें। परिवारजनों के साथ आपके जो संबंध हैं वो आपके भाग्य को निश्चित रूप से वृद्धि प्रदान कर रहे हैं, तो आप अपने भाग्य के भरोसे जो कुछ भी करेंगे
निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की बात करते हैं तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध आपकी एजुकेशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में मदद पहुंचा रहे हैं, फिर उनसे मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। माता के साथ आप समझिए कोई ना कोई आपके संबंध को खराब करने का प्रयास कर रहा है, तो माता का आशीर्वाद लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट इस समय अपने भाई बहनों का साथ लेकर, भाई बहनों का सहयोग लेकर, उनसे मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, निश्चित रूप से उनको लाभ की प्राप्ति होती है। किंतु वो माँ बाप जिनके बच्चों का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता या मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, वो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, हम गारंटी लेते हैं कि आपके बच्चे के हर साल पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे और उसका मन भी पढ़ने लिखने में लगने लगेगा, वो भी एक बार साल में, आपने एक बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करवाना है, दैट्स ऑल, वही हम गारंटी लेते हैं। और साथ ही उन लोगों से जिनकी सरकारी नौकरी बार बार एग्जाम दे रहे हैं मगर कहीं बॉर्डर लाइन पर अटक रहे हैं, तो उन लोगों से कहेंगे एक बार अगर अपनी कुंडली दिखाएंगे तो उससे पता चल सकता है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी, आप घुस में लठ बजा रहे हैं। और अगर सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में लिखा हुआ तो उसे किस तरीके से मजबूत करें, छोटे से उपाय के द्वारा, कोई रोज रोज के उपाय नहीं होते हैं, सारा काम छोड़ के आपने एक उपाय करने नहीं लग जाना है, पूरे दिन सुबह ये करो, दोपहर ये करो, शाम करो, साल में एक बार उपाय करना है, भूल जाओ, तो आपको मदद पहुंचाई जा सकती है। और साथ ही उन माँ बाप से जिनकी संतान बिल्कुल निकम्मी है, नाकारा है, उनका अपमान करती है, उनकी बेइज्जती करती है, वो ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे आप एस्ट्रोलॉजी के द्वारा छोटा सा वैदिक उपाय एक बार करिए, आप और आपके संतान के मध्य अच्छे संबंध बनने लगेंगे, उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क स्थापित कीजिए, वीडियो कॉल के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा या स्वयं आकर, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग एक महीने पहले यहाँ गुरु जी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो हो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही गुरु जी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है, और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ, लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरुजी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्मकुंडली दिखाएं और जैसे गुरुजी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। बात करते हैं आपके जीवन साथी के साथ, आपके जो संबंध है, आपको पता है कि इस समय आप कहते कुछ है होता कुछ है, बात का पतंगड़ बन रहा है, और आपके जीवन साथी के मध्य कहीं भी तालमेल नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे कन्या राशि वालों को क्या चाहिए कि इस समय जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी अपने हाथ में मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा से जागृत कराकर धारण कर लीजिए। अगर ऐसी अंगूठी नहीं है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन करके ये अंगूठी आप पूरी दुनिया में कहीं भी घर बैठे हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई, बार बार रिजेक्ट कर जाते हैं, शादी वाले आते हैं बार बार रिजेक्ट करके चले जाते हैं, उम्र निकली जा रही है, तो ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए ये समय एक्चुअली बार बार स्त्री ढूंढने का नहीं है, पहले आप अपने ग्रह दोष तो दूर कर लीजिए, ये ग्रहों के कारण ऐसा हो रहा है, और अगर आप ग्रह दोष नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही आसमान में, जब आपके ग्रह अनुकूल हो जाएंगे तो घर बैठे ही आपकी अपने आप ही शादी हो जाएगी, लेकिन ये कब होगी, कब ग्रह ठीक होंगे ये कौन जानता है, तो या तो आप अपने आप इन ग्रहों को एक बार वैसे एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में शादी का लड्डू खा सकते हैं। बात करते हैं ससुराल पक्ष से, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, किंतु कार्यस्थल के हालात आपके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, जो भी करें सावधानी पूर्वक करें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। संतान की सलाह मानकर या अपने प्रेम संबंध जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी सलाह मानकर आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। बात करते हैं उन लोगों की जो संतान के लिए डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, शादी को बहुत साल हो गए हैं संतान नहीं है, या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, डॉक्टर के पास कोई हल नहीं है, तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए अब आपको दवा की नहीं दुआओं की ज़रूरत है, तो उन दुआओं को पाने के लिए आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें,
और अपनी जन्मकुंडली स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें दिखवाएं। हम निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे कि शीघ्रतर आपको संतान की प्राप्ति हो। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मगर उन लोगों की बात करें जो प्रेम संबंधों में बहुत निराश हो रहे हैं, जिनके प्रेम संबंधों में अड़चन आई हुई है पर ये समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग गोल गोल घूमने लगा है, करें तो करें क्या, क्यों निराशा छा रही है, क्यों वो धोखा दे रहा है, क्यों प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं, क्यों टूटने लगे हैं, क्या हमारे संबंधों के बीच में कभी शादी होगी या नहीं होगी। अपने संबंधों को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उनमें खुशियां पाने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके ग्रहों को एक बार, केवल एक बार आपने उपाय करना है, उनके माध्यम से आपको जीवन में खुशियां पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपसे कोई बकरों की बलि की बात नहीं होगी, उल्लू के नाम पर आपका उल्लू नहीं बनाया जाएगा या सियार सिंगी जैसी कोई बात नहीं होगी। केवल प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपको मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।